जो भी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर वन, जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन, सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम, सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर वन, जब से योगी जी बने सीएम है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी का घर में राजी। हेलो, अच्छा एक बात सुनिए, हम कहेंगे अपना यूपी है तो आप बोलेंगे नंबर वन, अपना यूपी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन, पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो जहां भी जाते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई आशा, एक नए उत्साह का संचार करते हैं। जोरदार तालियां, आपकी तालियों की आवाज उठ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही शंखनाद और आपकी तालियां। भारत माता की, आपके हौसले के साथ है, आपके इरादों के साथ है, आपके पुरुषार्थ के साथ है। अभिवादन करने उन्हीं के बीच में चले गए, जहां कहीं भी है वहीं से उनके लिए आवाज उठाइए। एक युवा मुख्यमंत्री, युवा शक्ति के इस महाकुंभ के बीच में आपकी पहचान को, आपके सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है भारत रत्न। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सार्थ्यो आरिष्टानेमिः, स्वस्ति न केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करके हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दें। आज उन्हीं की जयंती पर
सुशासन दिवस इस भव्य रूप में मनाया जा रहा है और आप सब तालियों के प्रणाम से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। युग पुरुष भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में और महान शिक्षाविद स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में आज उनकी जयंती है। और इससे बड़ा कार्य क्या होगा कि उन्होंने जो सपने देखे उसे कर्म में उतार कर कर्म के पुष्प हम आज उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं सबसे पहले माननीय औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। साथ ही श्री सतीश महाना जी से अनुरोध है कि हम सब की ओर से माननीय श्री सतीश महाना जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर अग्रसर है, जिन्होंने जो कहा वो किया, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज प्रदेश देश में पहले नंबर के स्थान के ऊपर आ रहा है, जिन्होंने इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों और अपराधियों को संरक्षण देने वाले के प्रति बरतेंगे, आज उसके कारण जो वातावरण बना है, जो सुरक्षा का वातावरण बना है, जो विकास का वातावरण